मानसून इस समय पूरे देश में सक्रिय है। देश के कुछ हिस्से में बारिश का असर भी आम जीवन में भी देखने को मिला। बता दें कि बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश राज्य में 15 सड़कें बंद हैं। वहीं दिल्ली में हुई हल्की से लोगों को उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाके और कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि आज आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वहीं इंदौर में 67 मिलीमीटर, भोपाल में 7 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के बाद जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। वही संभावना है कि भोपाल में मध्य प्रदेश से और मध्य भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं बता दें कि मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि आज से मानसून नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वहीं आने वाले दिनों में तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा से और उसके लिए हम रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं। वहां पर 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर कल तक हल्की से मध्य वर्षा रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी वर्षा की स्थिति हल्की ही रहेगी। दिल्ली के लिए कोई अलर्ट नहीं है। देखिए, अगर आप उत्तर भारत की बात करें, कल तक क्या था, जो मानसून ट्रफ का जो पोजीशन था वो नॉर्मल से नॉर्थ की तरफ था। अगर मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूं, मानसून जनरली जो नॉर्मल पोजीशन होता है गंगानगर से कलकत्ता तक होता है, तो अभी ये नॉर्थ में था लेकिन कल तक का, उस समय क्या था, उसके बाद आज से जो है मानसून ट्रफ नीचे शिफ्ट हो गया। और इसके साथ ही जहां पे एक सर्कुलेशन है आपका क्या नाम है वेस्ट बंगाल में, और इसके प्रभाव से उसके साथ ही ऑफशोर ट्रफ है, हवा है, जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है। और आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, और वहां पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। देखिए, अगर एनसीआर की बात करें तो कल तक तो कल तो थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रहा क्योंकि मानसून ट्रफ नॉर्थ में था, आज अभी वो साउथ में शिफ्ट हो गया थोड़ा दिल्ली के, उसके प्रभाव से क्या है कि जहां जो रेनफॉल एक्टिविटी है लाइट ही रहेगी, हल्का फुल्का कहीं पे ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। और दो दिन के बाद जैसे मानसून ट्रफ का फिर वेरिएशन आएगा उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है। नहीं, दिल्ली के रिलेटेड कोई अलर्ट नहीं है। जितना भी अलर्ट है हमारा, जो आज के लिए रेड अलर्ट की बात करें, आज के लिए हमारा जिला के लिए रेड अलर्ट है, स्पेसिफिकली नॉर्थ केरला, कोस्टल कर्नाटका, उसके बाद कोंकण एंड गोवा, वहां के लिए हमारा अलर्ट है। और इसके बाद भी कंटिन्यूस दो दिन जहां ही मैक्सिमम एक्टिविटी होने का। देखिए, बारिश तो हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि समझ चलिए ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। वो जनरली क्या होता है कि जब रेनफॉल एक्टिविटी होती है देन इट्स फाइन, कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज क्या है कि जब रेनफॉल नहीं होती ह्यूमिडिटी हायर साइड रहता है और थोड़ा टेम्परेचर भी स्लाइटली हायर रहता है, इसलिए डिसकंफर्ट थोड़ा सा फील होता है। देखिए, वही है कि जब तक मानसून सीजन होता है आपकी जो हवाएं हैं बेओ बंगाल से जनरली आती हैं, सम टाइम अरेबियन सी से भी आती हैं, तो ह्यूमिडिटी जनरली मानसून सीजन में हायर साइड रहता ही है। और जब तक मीन रेनफॉल नहीं हो तो मानसून जो है ह्यूमिडिटी हायर साइड रहने का अनुमान ही है। जैसे मैंने कहा, आने वाले दो दिनों में लाइट रेन रहेगा तो उसके साथ ह्यूमिडिटी भी थोड़ा हायर रहेगा। उसके मौसम विज्ञानी पिछले चौपड़े की बात करें तो पूरे एमपी से रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिला है। आंकड़े भी आ रहे हैं अभी, जिसमें इंदौर में 67 मिलीमीटर, भोपाल में 7 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर, बाकी आंकड़े अभी आ ही रहे हैं जो थोड़ी देर बाद जो है आपको दिया जा सकता है। अभी जो है एक
गुजरात के ऊपर अपरिया साइसर है तथा जो WDA 70 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एज ए ट्रफ बना हुआ है, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी तो वैसे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बन के जो जैसा रेनफॉल होना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन एक राहत की खबर यह है कि जो बे ऑफ बंगाल में 5.8 किलोमीटर पे अभी एक अपरिया साइसर बन गया है, आने वाले दिनों में जैसे ही वो वेस्टर्ली मूव करेगा तो हमारा साउथ पार्ट है सिवनी मंडला घाट बैतूल यहां पर खंडवा खरगोन इन एरियो पे कुछ एक जगह पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है, बाकी जगह रेनफॉल एज ए आइसोलेटेड टू स्केटेड फॉर्मेट देगा। जैसा मैंने बताया ये साउथ वाले जो पार्ट है जहां मंडला बालाघाट सिवनी आपका बैतूल हुआ खंडवा खरगोन इंदौर धार इन एरियो पर अलर्ट जारी किया गया है। जी जी भोपाल की बात करें तो एक्चुअली जो मैंने आपको बताया है कि कोई सिस्टम एजट है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कल परसों जो है ये जो लो बना अपरिया साइसर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जैसे ये वेस्टर्ली मूव करेगा भोपाल में भी चांस है कि मॉडरेट रेनफॉल मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने की कल चांसेस।